आर्टिकल 15 हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा पन्ना है जो सुनिश्चित करता है कि रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, उनकी हत्याएं हुई, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो चुका है और ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है। इन्हीं सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है आर्टिकल 15 और इसका डायरेक्शन किया अनुभव सिन्हा जी ने, जो बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है। फिल्म बहुत वास्तविक है, कमर्शियल फिल्मों की तरह नहीं है और मुझे लगता है ये फिल्म सब ने देखनी चाहिए। फिल्म की स्टोरी और जिस तरह से फिल्म को शूट किया है बहुत ही डार्क डार्क फिल्म है और कई सीन है जहाँ पर आप डर जाते हो। फिल्म में आयुष्मान खुराना जी एक आईपीएस का भूमिका में और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये आईपीएस ऑफिसर का तबादला हुआ है दिल्ली से यूपी के एक गांव में। यूपी के बारे में आपको मालूम ही होगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, इसकी कानून इस राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, आए दिन न्यूज़ पे यहाँ से खबर आती रहती है, इसलिए हम बिल्कुल जानते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। और इस आईपीएस ऑफिसर का यही तबादला होता है, तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि उसने अपने बड़े अफसर को कुछ उल्टा जवाब दिया, इसलिए उसको ये सज़ा मिली है। और जब ये आईपीएस ऑफिसर दिल्ली से इस गांव में आ रहा होता है तो अपने जीप से देखता है कि कितनी हरियाली है, कितना हरे भरे पेड़ है, कितना मौसम अच्छा है, कितना सुहाना मौसम है और अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन पे बोलता भी है। ऐसा लगता है कि दिल्ली की सब ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई है, लेकिन जल्दी उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इंसान के रूप में जहरीले सांप भी हैं। यहाँ पे अनुभव सिन्हा जी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने जब यह आईपीएस ऑफिसर आ रहा होता है जीप में तो उसके पास एक किताब दिखाया उन्होंने जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। तो यहाँ पे अनुभव सिन्हा जी हमें ये बताना चाहते हैं कि ये आईपीएस ऑफिसर ब्राह्मण परिवार से ज़रूर है लेकिन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से जैसा है, जो ब्राह्मण परिवार से तो थे लेकिन धर्म को इतना महत्व नहीं देते थे, मतलब कास्ट सिस्टम में तो बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे, वो सिर्फ एजुकेशन में बिलीव करते, प्रोग्रेस में, टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी में, औद्योगिकरण में यकीन रखते थे। उस किताब का वहाँ होना सिम्बॉलिक है। एक्चुअली अनुभव सिन्हा जी आपको बताना चाहिए कि कैरेक्टर क्या है और बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको ब्राह्मण परिवार से दिखाया और कहीं पर भी उन्होंने किसी भी समूह को, जाति के लोगों को टारगेट नहीं किया है। वो खुद लेफ्टिस्ट माने जाते हैं, मुझे नहीं मालूम वो खुद को क्या मानते। इससे पहले भी जो फिल्म उन्होंने की थी मुल्क, वो बहुत ही लोगों ने पसंद की, तो उससे लोगों को पता चला होगा कि उनकी सोच क्या है। और बहुत ही हिम्मत लगती है ऐसे सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों को बनाने में, तो उनको बोलूँगा शुक्रिया कि इतनी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई। और फिल्म में होता ये कि दो लड़कियों का सामूहिक रेप हो चुका है और तीसरी लड़की गायब है और ये आईपीएस ऑफिसर जिस गांव में जाता है वहाँ के सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये इसमें ऊंची जाति के लोग इन्वॉल्व है, तो पुलिस भी डरी हुई है और ऑब्वियसली ऊंची जाति के लोग होंगे तो उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियंस भी होंगे। तो ये आईपीएस ऑफिसर वहाँ पे अकेला पड़ जाता है, हालांकि कुछ लोग उसको मदद करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसको मदद नहीं कर पाते क्योंकि सब डरे हुए हैं। और किस तरह इन्वेस्टिगेशन, दो लड़कियों की लाश मिलने के बाद ये पता चलने के बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो चुका है, तीसरी लड़की को किस तरह वो ढूंढता है और
वो तीसरी लड़की जिंदा या मर गई, क्या उसकी उसके साथ भी वही हुआ जो ये दो लड़कियों के साथ हुआ है? पहले तो बताया जाता है कि ये दो लड़कियां भाग भाग गई है घर से, बाद में पता चलता है कि ये दो लड़कियां लेस्बियन थी और इनके परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इनको मार दिया। तीसरी बार पता चलता कि नहीं, असल में इनको इनके साथ बहुत दिनों तक रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ, बाद में इनको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया गया और बाद मारा पीटा भी है और बाद में जिंदा पेड़ पे लटकाया गया। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी है और टेक्निकली फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म में गाना नहीं है और एक्शन नहीं है और बाकी की फिल्मों की तरह, कमर्शियल फिल्मों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिल्म देखनी चाहिए। और मुझे बुरा इस बात का लगा कि फिल्म में कई सारे सीन ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग ताली बजाना चाहते थे और ताली बजाए लेकिन बहुत ही संकुचित मन से। मतलब ताली जब बजाने चाहिए तो जैसे पहले आप कबीर सिंह देखते हो या दूसरी कोई, जब पुराने ज़माने अमिताभ बच्चन की जब मूवी होती थी तो उनके उनके एंट्री पे जैसे सीटियाँ और ताली बजती थी तो आपको खड़े होकर ताली बजानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने तालियां बजाए लेकिन बहुत कम लोगों ने बहुत ही संकोचित मन से तालियां बजाए। खासकर एक सीन है जहाँ पे आयुष्मान खुराना अपने पुलिस थाने में आर्टिकल 15 का पर्चा लेके आता है और अपने पुलिस थाने के बोर्ड पे लगाता है, तो वो सीन इतना ज़बरदस्त ना, तब बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए थे, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जब भी एक फिल्म देखने के लिए जाओ तो आप ज़रूर ताली बजाना, खड़े होकर ताली बजाना, और अपने दोस्तों को भी बोलना कि ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि कबीर सिंह जैसे फिल्में तो बहुत सारे लोग देखेंगे लेकिन ऐसे फिल्में लोग कम देखते हैं, और अच्छी होने के बावजूद उनको बॉक्स ऑफिस में कमर्शियल सक्सेस नहीं मिल पाती। तो आप ज़रूर देखिए, आपके दोस्तों को भी बोलिए कि ये फिल्म देखने के लिए। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।